Welcome in magic kitchen of Krishna. Magic for food, love for food, and passion for food. Rang rangilo Rajasthan, maro pyaro Rajasthan. Friends, aaj hum lekar aaye hain Rajasthan ka spacious chaat. राज कचौरी जैसा नाम से प्रतीत होता है वैसा ही ये राज कचौरी है। बहुत बड़ा और टेस्ट फ्लेवरफुल एंड हेल्दी आल्सो। तो फ्रेंड्स देखिए, देखने में ही इतना यमी लग रहा है कि आप इसको खाए बिना अपने आप को रोक नहीं सकते। जो राजस्थान आते हैं वो यानी राज कचौरी एक बार खा लेते हैं तो वो जब भी आते हैं यहाँ की राज कचौरी जरूर खाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं यमी राजस्थान की राज कचौरी। सो ये ट्रेडिशनल राजस्थान का स्पेशल चाट है जो कि यहाँ बनाया जाता है। बहुत फ्लेवरफुल होता है और हेल्दी भी होता है, इसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ें मिलाई जाती है। फ्रेंड्स व्हाई नॉट हम लोग इसको ट्राई करें घर पे और अपने फैमिली को और फ्रेंड्स को, उनके चाट खाने की जो इच्छा होती है उसको हम घर पे पूरा करें। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। हम आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये बता रहे हैं। आज हम यहाँ चलिए दो बना लेते हैं। ये हम 1.5 कप हम ले रहे हैं सेमोलिना, 1/4 कप मैदा और पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सेमोलिना यानी सूजी, तो ये सूजी बहुत हेल्दी होता है। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 1/4 कप मिलाते हैं मैदा और ये थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें ऐड करेंगे और एक टाइट डो लगा लेंगे। इसमें सेमी टाइप डो ही लगाना होता है, सॉफ्ट डो ना लगाएं। इससे सॉफ्ट डो लगाएंगे तो जो आपकी कचौरी है वो खस्ता नहीं बनेगी। सो उसके लिए ज़रूरी है, देखिए 1/2 कप पानी से हमने ये डो लगा लिया और ये देखिए डो कितना टाइट है। तो ये सेमी टाइट डो हमें लगाना है और ये तैयार कर देना है और इसको अच्छे से पंच करना है जिससे कि ये बहुत अच्छी बने। और ये थोड़ा सा ऑयल हम लास्ट में इसमें ऐड करते हैं और ऐड करके उस ऑयल के साथ इसको अच्छे से नीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा राज कचौरी का डो बनकर रेडी है। ढक दी हुई इसको 10 मिनट रेस्ट देना है हमें। तब तक हम बना लेते हैं चटनी। ये ग्रीन चटनी है, इसमें हमने धनिया पुदीना चॉप करके लिया है, साथ में लिए चॉप किए हुए ग्रीन चिली और ऐड कर देते हैं 1.5 टीस्पून कर्ड यानी दही, सॉल्ट, सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, रॉक सॉल्ट, काला नमक, चाट मसाला, ये सब हम 1/4 चम्मच लिया है हमने और ऐड कर देते हैं ऑयल। ये ऑयल इसके जो ग्रीन कलर है उसको काफ़ी समय तक इंटैक्ट रखेगा। चलिए ग्राइंड कर लेते हैं इस चटनी को। ये फ्रेंड्स यमी चटनी होती है, आप चाहें तो इसमें लहसुन प्याज डाल सकते हैं बट यहाँ ज़रूरत नहीं होती लहसुन प्याज की, सो हम बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। सो देखिए ये यमी ग्रीन चटनी बनकर रेडी है और ये हमने दाल भिगो के रखे हैं 4-5 घंटे के लिए। इसका पानी अब हमने निकाल लिया है और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। बिकॉज़ जो यमी राम लड्डू हम बना रहे हैं जो राज कचौरी में बहुत टेस्टी होता है डाला जाता है, सो उसके लिए ये मूंग दाल हम भिगो के रखा था हमने। 1 कप मूंग दाल हमने भिगोया था तो 1 कप से ये पेस्ट बन के रेडी है। ये देखिए ये स्मूथ पेस्ट बना है। हमने आलू भी बॉयल कर लिए हैं अच्छे से और अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी मीठी चटनी। तो उसके लिए हमने ऑयल लिया।
दिया है 1 tablespoon और उसमें डाल दिया हमने मस्टर्ड सीड्स और हमने डाल दिया जिंजर और एक ड्राई रेड चिली और ये हमने इमली को सोक करके रखा था तो उसको अच्छे से हम मैश करके उसका पानी निकाल लेते हैं। गुदा और पानी हम यूज़ करेंगे तो ये देखिए इसका पानी हमने पहले निकाल लेते हैं। डाल रहे हैं 1 teaspoon रेड चिली पाउडर सॉल्ट पिंच ऑफ सॉल्ट मीठा बना रहे इसलिए सॉल्ट ज्यादा नहीं डालेंगे अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 cup शुगर शुगर की जगह आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं 1/4 cup हमने डाला है और ये देखिए अम्मी हमारी जो मीठी चटनी है वो बन के रेडी है। तो इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं तो दोनों चटनियां बनकर रेडी है फ्रेंड्स ग्रीन चटनी और रेड चटनी इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। चटनी तैयार है अब हम राम लड्डू बनाएंगे तो जो हमने दाल पीस के रखा उसमें हम सॉल्ट मिला लेते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो ये मूंग दाल से बनाए जाते हैं सिर्फ लेकिन हम इनको हेल्दी टच देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे सत्तू तो हम जो सत्तू ले रहे हैं उसमें भुना हुआ जीरा और सॉल्ट और रॉक सॉल्ट साथ में चाट मसाला ऐड है। पहले इसको दाल को हम अच्छे से फेंट लेते हैं और अब हमने इसमें ऐड कर दिया सत्तू जिसमें भुना हुआ जीरा सॉल्ट ये देखिए ये मिक्सचर जिसमें सब ऐड है ये ले लिया हमने और इसको हम अच्छे से राम लड्डू में हमने मिक्स कर दिया और अब हम ऑयल गरम किया हमने फुल और इसमें हम बना लेते हैं ये राम लड्डू। तो देखिए फ्रेंड्स ये राम लड्डू हमारे बनकर रेडी हो रहे हैं ये हम फ्राई कर रहे हैं बहुत अच्छे से ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं राम लड्डू। तो ये मीडियम स्लो फ्लेम पे है आप फ्राई करें जिससे राम लड्डू बहुत अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए। तो ये देखिए ये लड्डू हमारे फ्राई हो चुके हैं हम लोग अभी इसको गोल बनाने या शेप देने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें हमें तोड़ कर डालना है सो बहुत सॉफ्ट है इसलिए हम जो है इसको किसी भी शेप में एक बार हमें तैयार कर लेते हैं। तैयार हो गए हैं देखिए और ये डो भी हमारा बिल्कुल रेस्ट कर चुका है 10 मिनट के लिए और अब हम इसको अच्छे से थोड़ा नीड कर लेते हैं नीड करके हम इसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम और इसमें ऐड कर देते हैं जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा क्योंकि सेमोलिना है तो वो पानी एब्जॉर्ब करता है और हार्ड हो जाता है तो हम उसको थोड़ा सा नीट करना जरूरी है जिससे कि वो अच्छा बने आज कचौरी हमारी बहुत अच्छी बने खस्ता बने। तो देखिए ये हमने थोड़ा सा नीट किया है इसको और इसको अब हमने छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लिया है ये जितना हमने फ्लावर लिया था उसमें 10 बनकर रेडी है अब हम बाकी को ढक के रखते हैं और एक एक करके हम जो है डिश को बेलते हैं। देखिए इधर हमने ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है और ये डिश बन के रेडी है बिल्कुल
पतला बेलना है आपको और बिल्कुल गरम तेल में हम इसको डालेंगे। आप देखेंगे कि इतनी अच्छी जो है कचौरी बन के रेडी होगी, बिल्कुल फुली फुली। ये देखिए, अब इसको दबा दबा के बहुत अच्छे से हमें फ्राई करना है, जिससे ये इतने अच्छे से फ्राई हो जाए कि ये बिल्कुल क्रंची हो जाए, और जब हम चाट डालें तो इसका क्रंच और चाट का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। सो देखिए, ये फ्राई हो गया हमारा बहुत अच्छे से और बिल्कुल ये वाला कलर आना चाहिए। सो हम एक एक करके सारे फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना फूला हुआ है और बिल्कुल ये टेस्टी होता है, इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं भरेगा। आप इतने अच्छे से इसको फ्राई करें और ये हेल्दी भी होगा क्योंकि इसमें सेमोलिना है, हम मैदा बहुत कम यूज कर रहे हैं, सिर्फ बाइंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। सो देखिए, ये यमी राज कचौरी बन के रेडी है। तो इस तरह से हम सारी राज कचौरियां फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको अच्छे से हर तरफ से फ्राई करना है हमें। ये देखिए बिल्कुल कितना अच्छा क्रंची और कलर कितना अच्छा शानदार कलर आया है, और ये बनकर रेडी है फ्रेंड्स। तो इनको हम ऑयल को ड्रेन करने के लिए हम जाली पर निकाल रहे हैं, जिससे जरा सा भी इसमें ऑयल हो तो वो ड्रेन हो जाए। तो ये देखिए, हमने जाली पर निकाला है और ये बिल्कुल रेडी है। हम ले लेते हैं एक राज कचौरी। सेंटर पे देखिए, हम इस तरह से सेंटर पे होल बना लेते हैं और आप देख सकते हैं अंदर तक ये बिल्कुल अच्छे से सिका हुआ है। अब इसमें डाल देते हैं हम जो आलू बॉईल करके रखा था, उसको हाथ से तोड़कर हम डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे, ये हमने बॉईल करके रखा है चने और मूंग दाल, हरे मूंग दाल जिसको हमने बॉईल करके रखा है, और साथ में हम डाल देंगे तोड़कर राम लड्डू, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, चॉप किया हुआ अनियन। दही को अच्छे से फेंट लें, ये फेंटा हुआ दही हम अच्छे से भरेंगे इसमें। हम डालेंगे ग्रीन चटनी, स्पाइसी है और टेस्टी यमी ग्रीन चटनी, और साथ में डालेंगे रेड चटनी, मीठी चटनी, तीखी मीठी, दोनों तरह की चटनियां हम ऐड कर रहे हैं। फिर हम थोड़ी सी दही और ऐड कर रहे हैं ऊपर। हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, हम ऐड कर देंगे चाट मसाला, ऐड कर देंगे सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, भुना जीरा, इसमें सेव, नायलॉन सेव और अनारदाना। सो ये पोमेग्रेनेट इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गए हमारे राज कचौरी, यमी यमी राज कचौरी। थोड़ी सी दही हम फेंटी हुई दही और ऐड करेंगे। दही और मसाले और चटनियां इसमें ऐड की जाती है, जिसके कारण ये बहुत फ्लेवरफुल होता है,
बहुत टेस्टी यमी होता है, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। सो ये चटनियाँ जो है हम इसके चारों तरफ भी इसलिए लगाते हैं ताकि ये बहुत अच्छा टेस्ट दे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है हमारी राज कचौरी। हमने खूब सारा नायलॉन से भी इसमें ऐड किया है और बहुत यमी टेस्टी ये राज कचौरी बन के रेडी है, बिल्कुल खाने के लिए तैयार है ये राज कचौरी। इसमें हमने लगा दिया एक मिंट लीफ और देखिए ये बाकी की राज कचौरी अभी हम इसी तरह से डेकोरेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये यमी राज कचौरी? जल्दी से बना डालिए आप और अपने परिवार को जरूर खिलाइएगा ये यमी राज कचौरी। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। खमा गनीशा, पधारो मारे देश राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान। सो राजस्थान का टेस्टी फूड का आनंद लीजिए और आइए जरूर राजस्थान और खाइए हमारे यहाँ की राज कचौरी। मारो प्यारो राजस्थान, रंग